सो गाइस, किसी का भाई किसी की जान मूवी का फर्स्ट वीक का कलेक्शन आ चुका है और फर्स्ट वीक में इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कितने रुपए की कमाई की है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बातें करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो गाइस, जो स्टार्टिंग के 4 दिन थे किसी का भाई किसी की जान मूवी का, तो जिस तरह से स्टार्टिंग के 4 दिनों में किसी का भाई किसी की जान मूवी के कलेक्शन आए थे, तो ऐसा लग रहा था गाइस, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये मूवी इंडिया से नेट कलेक्शन में 150 करोड़ या 200 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी। तो जैसे इस मूवी का 5वां दिन आएगा, तो 5वें दिन से ना जाने किसकी नजर लग गई इस मूवी को, 5वें दिन से इस मूवी के कलेक्शन में काफी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इस मूवी ने अपने 5वें दिन पे 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी और इस मूवी ने अपने 6वें दिन पे 4.25 करोड़ रुपए की कमाई की। और जो इस मूवी का 7वां दिन है, तो 7वें दिन पे इस मूवी ने इंडिया से नेट कलेक्शन में 3.50 करोड़ रुपए की कमाई की है गाइस। तो इस मूवी के कलेक्शन में 5वें, 6वें और 7वें दिन में काफी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और इस मूवी का जो इंडिया का फर्स्ट वीक का टोटल नेट कलेक्शन होता है, वो होता है गाइस 92.21 करोड़ का। तो इस मूवी ने अपने फर्स्ट वीक में इंडिया से नेट कलेक्शन में 92.21 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो अब तो ऐसा लग रहा है गाइस, ये मूवी देखने के बाद जो लोग ये सोच रहे थे कि ये मूवी आराम से इंडिया से नेट कलेक्शन में 150-200 करोड़ रुपए कमा लेगी, लेकिन अब वैसा होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये प्रेडिक्शन तो गलत हो गया गाइस। लेकिन 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 जो ऑडियंस ये सोच रहे थे कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर होगी, फ्लॉप होगी, 100 करोड़ भी इंडिया से नेट कलेक्शन में क्रॉस नहीं करेगी, तो उन लोगों को बता दूं कि उन लोगों का भी प्रेडिक्शन गलत हो गया है। ये मूवी 100 करोड़ का भी आंकड़ा इंडिया से नेट कलेक्शन में क्रॉस करेगी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप डिजास्टर भी नहीं होगी, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट या हिट का ही टैग लेगी। देखो गाइस, हेटर्स और सपोर्टर्स तो हर मूवी के होते हैं, भले ही वो मूवी ब्लॉकबस्टर हो या वो मूवी डिजास्टर हो। अभी एग्जाम्पल के तौर पर गाइस, इसी साल रिलीज हुई मूवी पठान, वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई है, लेकिन अभी भी उसके हेटर्स है जो ये मानने को तैयार नहीं कि वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हो गई है। वो लोग यही बोल रहे हैं कि ये उस मूवी का सारा ही कलेक्शन फेक है और पठान मूवी फ्लॉप है। तो हेटर्स तो उस मूवी के रहेंगे गाइस। और इसी साल रिलीज हुई मूवी अक्षय कुमार की सेल्फी, वो मूवी तो बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर हो गई गाइस, लेकिन जो भी ऑडियंस ने उस मूवी को जाके सिनेमा हॉल में देखा है, उन सभी ऑडियंस को वो मूवी पसंद आई है। उस मूवी के भी काफी सपोर्टर्स है, मैंने भी उस मूवी को देखा है, मुझे भी सेल्फी मूवी पसंद आई, लेकिन वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर हो गई गाइस, लेकिन उस मूवी के भी सपोर्टर्स है। तो हेटर्स और सपोर्टर्स तो आपको हर मूवी के मिलेंगे, चाहे वो मूवी कितनी भी बड़ी हिट हो या वो मूवी कितनी भी बड़ी फ्लॉप हो। तो गाइज, मैं तो जो सच है वही बातें करूंगा और सच यही है कि किसी का भाई किसी की जान मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप तो होने वाली नहीं है, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट या हिट, ये दोनों में से एक ही वर्डिक्ट लेने वाली है। तो लेट सी गाइज, देखते हैं और बॉक्स ऑफिस पे किसी का भाई किसी की जान मूवी कितना लाइफ टाइम में कलेक्शन करती है। तो तब तक के लिए वेट करते, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।